सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हो टेक टॉक। और यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI के कुछ बेस्ट थीम्स के बारे में। ये थीम्स आप MIUI 11 पे भी अप्लाई कर सकते हो, एंड द बेस्ट थिंग्स के इन्हें आप MIUI 12 के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। सो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले थीम से, जिसका नाम है स्पेस V11। और ये जो है, ये कमाल का थीम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको काफ़ी अलग टाइप के यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं, ब्लू कलर का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नोटिफिकेशन शेड की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम एंड कूल लुकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सेटिंग्स वगैरह में भी आइकन जो है वो आपको चेंज देखने को मिलते हैं। एंड इसका बेस्ट पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है इसकी लॉक स्क्रीन के ऊपर। जब आप इसको अनलॉक करते हो, तो इसके ऊपर आपको एक हल्की सी एनिमेशन देखने को मिलती है, जो कि इस थीम को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाती है। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो बात करते हैं हमारे आज के सेकंड थीम की, जिसका नाम है राउंडो V10। इसकी आइकन्स अगर आप देखोगे, तो कितने कमाल के आइकन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन बार की, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे आपको जो है वो आइकन्स देखने को मिल जाते हैं नोटिफिकेशन शेड के अंदर। सेटिंग्स में भी आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, एंड बैकग्राउंड में एक टेक्स्चर देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको मिनिमल सा ब्यूटीफुल सा एक विजिट देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा अदर लैंग्वेज में है, बट फिर भी स्टिल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड आपको ये थीम कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। दोस्तों, आज के जो थीम होने वाले हैं, वो सारे ही यहाँ पे मिनिमल से लुक वाले होने वाले हैं। एंड हमारा नेक्स्ट थीम भी कुछ मिनिमल सा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थीम है। यहाँ पे आप आइकन्स देख सकते हो, MIUI जैसे आपको आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, वॉलपेपर कलरफुल सा है। और अगर मैं बात करूँ स्टेटस बार की, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, बिकॉज़ ये कलर कम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ग्रे एंड ऑरेंज का बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे। और सेटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपको प्लेन वाइट में MIUI जैसी ही देखने को मिल जाती है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया जो है वो वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। एंड बीच में आपको एक आइकन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर अगर आप टैप करते हो, तो आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, डायलर, कैमरा, मैसेजेस एंड अनलॉक का। तो ये जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा इस थीम के अंदर। सो आप भी इस थीम को एक बार डाउनलोड करके चेकआउट ज़रूर करना। ओके गाइस, सो नेक्स्ट थीम इन आवर लिस्ट इज़ कॉल्ड बैक। और बैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे मिनिमल सा थीम है। आप देखोगे पूरी प्लेन सिंपल लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। MIUI वाला आपको यहाँ पे आइकन पैक देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ स्टेटस बार की, तो वो भी आपको प्लेन देखने को मिलता है, बट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने में लगता है यहाँ पे। और सेटिंग्स वगैरह भी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ गाइस, कि ये जो थीम है, ये डार्क मोड भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो डार्क मोड भी यहाँ पे आप इस थीम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसकी लॉक स्क्रीन की, तो वो आपको प्लेन मिनिमल सी देखने को मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे बॉटम साइड से अप साइड को स्वाइप करते हो, तो आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। एंड एनिमेशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। सो गाइस, नेक्स्ट थीम इन आवर लिस्ट इज़ न्यू मॉर्फिक डिज़ाइन। और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये जो थीम है, ये आपको देखने को मिलेगा। पूरा डार्क थीम है ये, एक तरह से डार्क बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है, और आइकन्स भी आपको यहाँ पे डार्क जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं सभी आइकन। स्टेटस बार की अगर मैं बात करूँ, तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको हल्का सा ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। सेटिंग भी आपको यहाँ पे डार्क जो है वो देखने को मिल जाती है, एंड कम्प्लीटली न्यू लुक देखने को मिलती है। और वहीं पर अगर मैं लॉक स्क्रीन की बात करूँ, तो उसकी सबसे परफेक्ट जो चीज़ है वो है इसकी लॉक स्क्रीन। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ आपको एक स्लाइडर देखने को मिलता है। जैसे ही आप उस स्लाइडर को पुश करते हो, तो आपकी जो स्क्रीन है वो अनलॉक हो जाती है। तो ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी इस थीम के अंदर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट थीम इन आवर लिस्ट इज़ विंटर मिनिमल। विंटर मिनिमल की अगर आप देखोगे, तो आइकन पैक जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
वॉलपेपर जो है वो भी कम्प्लीटली यहाँ पे मैच किया गया है थीम के साथ। एंड विजिट को अगर आप देखोगे तो वो भी टोटली न्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे अगर मैं नोटिफिकेशन शेड की बात करूँ तो वहाँ पे आपको आइकन जैसे ही कुछ यहाँ पे आपको जो है वो नोटिफिकेशन शेड के आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी लॉक स्क्रीन की तो वो भी आपको यहाँ पे प्लेन देखने को मिलती है, बट सेम वॉलपेपर के साथ आपको विजिट जो है वो अलग टाइप का दे दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे देखने में लगता है। ओके गाइस, बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट थीम की तरफ जिसका नाम है कोआला। एंड ये जो है वो पर्सनली मेरा फेवरेट थीम है इस थीम की लिस्ट में, बिकॉज अगर आप यहाँ पे आइकन्स को देखोगे वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको देखने को मिल जाते हैं। और वॉलपेपर जो है वो इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा यहाँ पे देखने में। एंड इस थीम के अंदर विजिट जो है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है, और सेटिंग्स वगैरह आपको डार्क देखने को मिलती है। एंड अगर मैं लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो वो और भी ज़्यादा क्यूट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। एज यू कैन सी पूरी मिनिमल सी है, एंड जो यहाँ पे विजिट है उसको चेंज कर दिया गया है, बट ओवरऑल जो ये थीम है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक देता है देखने में। सो गाइज, बस ये थे हमारे आज के कुछ टॉप MIUI 11 थीम्स। और गाइज, इस वीडियो को जम के लाइक कर देना, बिकॉज आपके लाइक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन देते हैं मुझे और नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। प्लीज़ गाइज, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, ताकि फ्यूचर में आप ऐसी वीडियोज़ मिस मत करो। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।